बॉय BYMMN शॉर्ट गन माइक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज है अनबॉक्सिंग कुछ एक खास चीज़ की। वो खास चीज़ है क्या? वो खास चीज़ है माइक। गाइज, माइक, एक ब्लॉगिंग माइक, जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे बहुत पहले से थी और वो मैंने परचेस कर लिया, और उस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको किस तरह का वो माइक है और किस तरह वो वर्क करता है। वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा बेहतर तरीके से। सो चलिए करते हैं पहले अनबॉक्सिंग, फिर देखते हैं उसका परफॉर्मेंस। सो गाइज, ये है अमेजोन का बॉक्स और इसके अंदर है वो माइक। चलिए खोलते हैं। यस, बोया BYMM1। देखिए माइक, यूनिवर्सल कार्डियोइड माइक्रोफोन। ओपन करते हैं, फिर डिटेल में बातें करेंगे। यस, कुछ इस तरह की पैकिंग आती है गाइज, जिसमें देखिए और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये बॉक्स, बॉक्स करते हैं साइड पे, और ये कुछ इसमें गारंटी कार्ड्स, इसकी बुक, इसमें इसके बारे में डिटेल्स हैं, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अगर इच्छुक हो तो। और ये है गाइज वो माइक, बोया BYMM1 माइक, जो कुछ इस तरह का दिखता है। और इसके साथ है ये एक अटैचमेंट, जिसे हम ट्राइपॉड में अटैच करके इसके अंदर, इसके ऊपर माइक फिट करेंगे। और इसमें केबल्स हैं, ये मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं आप, अपने मोबाइल के 3.5 mm जैक पे इसे अटैच कर सकते हैं, और इससे पीछे माइक पे कनेक्ट करके। और यह है DSLR पे यूज़ करने के लिए, कुछ इस तरह का माइक दिया गया है। और यह है पाउच जो मिलता है इस बोया BYMM1 के साथ, सिलिका जेल, सिलिका जेल कहते हैं कीटाणु से बचाने के लिए इसमें डाला जाता है। और यह है स्टिकर बोया का। और गाइज ये देखिए, ये है खास चीज़, क्योंकि आजकल फ्रॉड काफ़ी हो रहा है गाइज। अगर आप लेते हैं वो या भी MM1 माइक, तो ये चीज़ उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। ये है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मतलब ओरिजिनल चीज़ मिली है हमें। तो गाइज ये चीज़ें मिलती हैं, और देखिए माइक में डेडकेट लगा हुआ है। ये डेडकेट काम करता है नॉइज़ कैंसिलेशन का, इससे आप जो है कि हवा में विंड नॉइज़ जो आती है वो कम हो जाती है इससे, इस पर अटैच करके लगाने से। तो ये सारी चीज़ें मिलती है गाइज हमें इस बॉक्स के अंदर। तो फिर पूरे ब्लॉगिंग स्टाइल में जो है हम इसे यूज करेंगे, और देखिए आप किस तरह का परफॉर्मेंस करता है माइक बोया BYMM1। और देखिए यहाँ पे भी एक RQ कोड है, ये ओरिजिनल हो जो माइक जो हमें मिला है अभी, ओरिजिनल माइक में ये चीज़ें मिलती हैं, लोकल में नहीं मिलती है। ये कुछ इस तरह के स्टिकर हुए, और ये क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जो है ये कुछ इस तरह की ओरिजिनल माइक में मिलती है। और थैंक गॉड अमेजोन मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट भेजने के लिए। तो अभी इसका परफॉर्मेंस देखते हैं गैस। और ये अटैचमेंट पर मैं बताऊँ गैस, कुछ इस तरह से होता है अटैचमेंट। सबसे पहले हम लगाते हैं ये डेडकेट इस पर, माइक पर। ये कुछ इस तरह से डेडकेट लग जाता है गैस। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से इधर एक खांचा बना हुआ है एक छोटा सा, जिस पर आप ये अटैच करना है आपको, ये अपना अटैचमेंट, ये कुछ इस तरह से ये अटैच हो जाता है गैस। और इसे करेंगे हम अपने ट्राइपॉड पर अटैच। और ये है इसका केबल, मोबाइल के साथ अटैच होगा इधर से, और इधर से होगा इसके पीछे। सो गैस, करता हूँ इसे अटैच ट्राइपॉड पर, और करते हैं पूरे ब्लॉगिंग स्टाइल में इसको टेस्ट। और जो आवाज़ अभी सुन रहे गाइज आप मेरी, ये आवाज़ है बोया BYMM1 माइक से, वायर्ड माइक है इसे, वायर्ड है, काफ़ी लंबी वायर है इसमें, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। बोया BYMM1 माइक से ये आवाज़ आ रही है, जो इसके बाद जो आवाज़ सुनने को मिलेगी वो मिलेगी इस माइक से, बोया BYMM1 माइक से। सो करते हैं इसको अटैच, और ब्लॉगिंग स्टाइल से लेते हैं इसका टेस्ट। सो गाइज हेलो, और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये सुन रहे हैं बोया BYMM1 माइक से। गाइज देखिए, एक हाथ की दूरी पर है माइक, और ट्राइपॉड के ऊपर ये माइक अटैच कर लिया है मैंने, और कुछ इस तरह की आवाज़ यहाँ पर सुनने को मिल रही होगी आपको। और कुछ इस तरह का रूम पूरे ब्लॉगिंग स्टाइल में मैं बना रहा हूँ, तो बताता हूँ आपको मैं किस जगह पर अभी मैं हूँ गाइज, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और ये जिस जगह मैं ठहरा हूँ, ये बालेश्वर होटल, और कुछ इस तरह का रूम यहाँ पर मिल जाता है गाइज। देखिए कुछ इस तरह का रूम है यहाँ पर, और मेरे बजट के हिसाब से ठीक है गाइज यहाँ पर रूम, और 201 रात का बढ़िया है। सो अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या कुछ है इस होटल के बाहर, और क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। सो गाइज ये है नज़ारा चंपावत वाले सर
होटल के सामने का, और ये सामने है बालेश्वर मंदिर जो दिख रहा होगा इधर पे, ये है बालेश्वर मंदिर यहाँ पे। तो ये है बालेश्वर होटल जहाँ पे मैं ठहरा हूँ अभी। सो आप देख रहे होंगे इस माइक का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का, किस तरह का हो पा रहा है अभी। बताएगा गाइस कैसा लग रहा है इस MM1 माइक का परफॉर्मेंस। और अभी चल रहा हूँ मैं, और ये माइक लगा हुआ है यहाँ पे, और कुछ इस तरह का है यहाँ पे नज़ारा। ये होटल के पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का। इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, जो वीडियो में जो भी वॉइस थी मेरी, वो थी Boya Viva MN माइक से। Boya Viva MN माइक वायर्ड माइक है, काफ़ी लंबी वायर है उसमें, तो उस माइक से मैं ब्लॉग शूट किया करता था। और अभी जो लिया है मैंने, ये है Boya Viva MM1 माइक। तो कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस है गाइस इस माइक का, जो सुन पा रहे हैं आप। और ये है होटल बालेश्वर। सो बताएगा किस तरह की आवाज़ इसमें सुनने को मिल रही है आपको, और किस तरह का परफॉर्मेंस है इस माइक का। तो मुझे तो सही लग रहा है गाइस। सो गाइस मैंने बताया अभी आपको इस संपर्क के किस जगह पे मैं ठहरा हूँ, और सामने बालेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये जो वीडियो, ये जो आवाज़ सुनने आ रही है वो अभी MM1 से। तो अभी से जो आगे के जो भी वीडियो आएंगे गाइस, इसमें आवाज़ जो सुनने को मिलेगी इसी माइक से सुनने को मिलेगी। कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस है इस माइक का गाइस। बताएगा आपको सुनने में कैसी लग रही है आवाज़ इस माइक से। और कुछ इस तरह का है यहाँ पर बेड, और कुछ इस तरह का होटल है, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं इस माइक में हमें। सो गाइस बताएगा कैसा लगा आपको ये ब्लॉगिंग माइक। मेरे हिसाब से सही है गाइस। अमेजोन पर 1600 के आसपास ये माइक मिल गया मुझे, और काफ़ी सर्च किया मैंने, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी, उसके बाद जाके मैंने माइक लिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ब्लॉगिंग के लिए बढ़िया है भाई। देखिए, और इसके बारे में बताऊँ आपको, ये सिर्फ सामने की आवाज़ कैच करता है, सामने की आवाज़। अगर इसको मैं इस तरह से कर दूँ तो शायद मेरी आवाज़ उस तरह क्लियर नहीं आ पा रही होगी, अगर इस तरह पीछे को कर दूँ तो और भी आवाज़ कम आ रही होगी। Boya Viva MM1 शॉटगन माइक। और एक बार मैं आपको इसका जो है कि डेड किट निकाल के आवाज़ सुनाता हूँ। सो गाइज अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये मैंने इसका डेड किट निकाल लिया, शायद कुछ आवाज़ लाउड आ रही होगी मेरी, तो आप देख सकते हैं किस तरह की आवाज़ है। और एक बार मैं आपको इस माइक को डिसकनेक्ट करके फ़ोन से आवाज़ सुनाता हूँ किस तरह की सुनाई। और ये आवाज़ जो अभी आप सुन रहे हैं गाइज, ये है बिना माइक के, फ़ोन के अपने इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। सो अभी कनेक्ट करते हैं माइक को। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये सुन रहे हैं Boya Viva MM1 माइक से विदाउट डेड किट। डेड किट मेरे हाथ पे, अभी फिर इसको अटैच करता हूँ, फिर सुनाता हूँ आपको। सो गाइस माइक का डेड किट अटैच कर लिया है, और सुन सकते हैं आवाज़ मेरी किस तरह की सुनाई दे रही है आपको। कुछ नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है हवा, जैसे विंड चलती है हवा में काफ़ी सड़सड़ाहट होती है, तो उस चीज़ को मिनिमाइज कर देता है गाइस। तो कुछ इस तरह का है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये माइक गाइस। 1600 का रेट पर माइक मिल रहा है मुझे, और पहले काफ़ी उस माइक में क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी Boya Viva MN माइक में, लेकिन वायर काफ़ी लंबी थी, तो उसका एक छोटा सा पाउच में अटैच करके उसे मैं रखता था जेब में। एक वायर होता था यहाँ पे एक वायर यहाँ से अंदर से निकाल के यहाँ पे अटैच करता था, और एक लगता था फ़ोन के जैक पे। अब इसमें उस तरह का कोई टेंशन नहीं है, बस इतने एक हाथ के डिस्टेंस से ये माइक आवाज़ कैच कर लेती है सामने से, और कुछ इस तरह की वॉइस क्वालिटी सुनने को मिलती है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।